नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से एस एस सी अभिनय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है आपकी तैयारी का सिलसिला अब एक ऐसे मुकाम पर होगा जहाँ पर आप परीक्षा की घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे आप सबके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो चुके होंगे और आपको लगभग ये स्पष्ट हो चुका होगा कि किस दिन आप लिटमस टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं किस दिन आप अपने पूरे साल भर की मेहनत पूरे साल भर के परिश्रम को परिणाम में तब्दील करेंगे तो इसी उम्मीद में कि आप सब स्वस्थ हैं और इसके साथ साथ आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रयास करता हूं कि टाइम पर आऊं लेकिन उस प्रयास में जरूरी नहीं मैं बहुत सफल हो जाऊं पांच दस मिनट मेरा हर क्लास में लगभग ऊपर नीचे होता रहता क्योंकि निरंतर मेरे क्लासेस हैं कंटिन्यूटी में क्लासेस होती हैं इस कारण से कभी कभी पांच सात मिनट का विलंब भी होता है कुछ तकनीकी कारण भी होते हैं तो चौदह तारीख को आपका थर्ड शिफ्ट में है चलिए तो आप शुरुआत करेंगे बोनी आपसे ही होगी एक तरीके से चौदह तारीख से ही तो पेपर शुरू हो रहा है तो नॉलेज बाबा जी बोनी आपसे होगी क्योंकि आप तीसरे शिफ्ट में भले पहला दिन दिन आपका पेपर है है जिनका पहला दिन है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं सर आपके कोचिंग मुखर्जी नगर में कहा है विजय प्रजापति जी अगर आप अभी भी मुखर्जी नगर में मेरी कोचिंग ना ढूंढ पाए तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आगजनी की घटना के बाद मेरा बोर्ड मेरा बैनर तो राष्ट्रीय मीडिया में छा गया सभी लोग मुझे ही वहां पर देखते रहे और उनको लगा कि शायद मुख्य घटनाक्रम यही घटित हुआ हालांकि मेरे बिल्डिंग के ऊपर थी वो क्लासरूम जो संस्कृत आईएएस की क्लासरूम थी वो मेरे ही ऊपर वाले फ्लोर पर थी लेकिन ये घटना ना संस्कृत आईएएस के फ्लोर पर था ना मेरे फ्लोर पर ये बेसिकली बेसमेंट के पास जहां से एंट्रेंस है वहां से था लेकिन आप सबने न्यूज में जरूर उन चीजों को देखा होगा खैर उसको आप ना दोहराए तो ज्यादा अच्छा है आप कभी भी मुखर्जी नगर में आइए भंडारा चौक एक जगह वहां पर आपको मेरा दर्शन हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते तो आज का जो सत्र है आज का जो सेशन है यह आपके पहले दिन यानी जहां से आपका दिसंबर में पेपर शुरू हुआ उसका ये चौथा पेपर है तो आज का हम लोग जो सेट करने वाले हैं ये फर्स्ट डे का लास्ट सेट था फोर्थ सेट था एक दिसंबर से आपकी परीक्षा 2022 में शुरू हुई थी तो एक तो उसके प्रश्नों को हम लोग हल ही करेंगे लेकिन उसके बाद मैं फिर मॉडल पेपर के साथ आप सबको जोड़ूंगा जो मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है कि जो मैं प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं वो इसी के साथ कंटिन्यू रहेगा तो ज्योग्राफी पर मैंने संभवता कल एक सीरीज की थी आज उसका दूसरा होगा मोस्ट प्रोबेबल सीरीज में यहाँ आज हम लोग भूगोल के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे लेकिन पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से हमारा टारगेट है कि एसएससी सीजीएल सी, के एग्जाम में 2022 में जो पेपर आया उसका हु बहु प्रश्न पत्र आपके सामने रखूं और ये मानकर चले आपकी अगर लास्ट ईयर आप पेपर दे रहे होते और ये पेपर आपके सामने होता तो आप क्या स्कोर करने की स्थिति में थे ये जानने के लिए और साथ में आपको एक अंदाजा भी हो जाए कि जितना हम पहले से भय बना लेते हैं कि सर जीएस कितना भी पढ़कर जाए अच्छा नहीं होता वो भय आपका दूर हो जाए आपको ये पेपर देखकर एक अंदाजा मिले कि अगर लास्ट ईयर ऐसा पेपर था तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र होगा ये चूंकि टीयर वन एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो इसमें कभी यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपसे टफ क्वेश्चंस पूछे जाए बेसिक जरूर आएंगे तो आगे बढ़ते हैं चलिए विजय प्रजापति भी आप कभी भी दिल्ली आइए मुलाकात जरूर होगी मैं आपसे जरूर मिलूंगा तो आगे बढ़ते हैं तो आज के सेशन का पहला प्रश्न एशियाई खेल यानी करंट अफेयर से शुरू हुआ आपके पेपर में जो पहला प्रश्न ये है इस सेट में यह है एशियन गेम्स 2018 को लेकर अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2022 का पेपर है एशियन गेम्स टू पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो जब आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो उसमें इतिहास को भी थोड़ा सा नजर में रखते हैं पहला एशियाई खेल से लेकर और जो रिसेंट में हुए वहां तक तो ऐसे में जो एशियन गेम्स 2018 पर प्रश्न आया वो बहुत सिंपल सा प्रश्न था किस देश में आयोजित किया गया ये पूछा गया तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था 2018 के एशियन गेम्स पर मैंने एक जानकारी यहां डाल दी है कि आप इसको देख लें इसके बारे में आप जान ले तो आप ये पाएंगे कि जो ये 18th एशियन गेम्स आयोजित किए गए इसको जकार्ता प्लेमबैंग 2018 या इंडोनेशिया 2018 के नाम से जाना गया क्योंकि ये इंडोनेशिया के इन दो शहरों में आयोजित हुआ तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ इसके साथ साथ ये कह रहा है फॉर फर्स्ट टाइम समर एशियन गेम्स

एशियाई खेल जकार्ता में आयोजित हुआ प्लेमबैंग में आयोजित हुआ जो इंडोनेशिया में है, तो होस्ट सिटी ये दो थे और कंट्री थी इंडोनेशिया यानी अगर सिटी को लेकर पूछा जाए तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है हालांकि इसमें आया था किस देश में? तो आंसर हो गया ऑप्शन बी चलिए अगर इस प्रश्न को वो रिपीट करते हैं तो शहर को लेकर पूछ सकते हैं ये ध्यान रखिएगा तो शहरों का नाम भी यहां पर आपके सामने है अगला प्रश्न कैलेंडर के अनुसार यानी मैं पहले प्रश्न को सामान्य ही मान रहा हूं आप करंट अफेयर्स पढ़कर ही परीक्षा में गए और एशियन गेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप एशियन गेम्स पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी देखनी होती है हाँ चंद्रभान जी नमस्कार हाँ उमेश कुमार जी वेरी वेरी गुड इवनिंग तो यहां पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षा बंधन कब मनाया जाता है अब आप सोचिए सामान्य ही तो प्रश्न है क्योंकि जब हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो चंद्र कलाओं के आधार पर चंद्रमा के आधार पर आप देखते हैं इसमें दो पक्ष एक तो शामिल होते हैं एक को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसके दो पक्ष माने गए जिसमें से एक यहां पर आप देखते हैं पूर्णिमा है जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है फुल मून और दूसरी तरफ यहां पर आप देखें तो आप पाएंगे दूसरा यहां पर कृष्ण पक्ष है जिसमें अमावस्या अमावस्या यानी इसे हम न्यू मून कह सकते हैं न्यू मून तो अब एक चीज तो यह स्पष्ट है कि चंद्र कलाओं के आधार पर यहां फुल मून और न्यू मून का कॉन्सेप्ट दूसरा जब हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो पहला महीना चैत्र से शुरू होता है और चैत्र मास अगर देखा जाए तो लगभग मार्च अप्रैल का मंथ होता है मार्च अप्रैल के बीच चैत्र के बाद दूसरा महीना वैशाख का आता है वैशाख हम कह सकते हैं कि लगभग मई जून का महीना फिर इसके बाद अषाढ़ का महीना आता है लगभग जून जुलाई का समय जुलाई से फिर यहां पर आप देखते हैं सावन का महीना जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त तो सावन मास जिसको श्रावण मास भी हिंदू कैलेंडर में कहते हैं वो जुलाई अगस्त में होता है और संभवता अगस्त के मास में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है अगर आप इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो अगस्त के आसपास अगस्त के लगभग हम कह सकते हैं दूसरे पक्ष में तो जब यहां पर पूर्णिमा होती है वो भी सावन मास की तब हम यहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डी इसका उत्तर होगा और मैं मानता हूं यह भी बड़ा सामान्य सा प्रश्न था बिल्कुल सावन मास चल रहा है हम्म बिल्कुल तो आंसर हो गया डी ऑप्शन तो रक्षाबंधन या जो हम राखी का त्योहार मनाते हैं फुल मून पर पूर्णिमा में और हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा या सावन मास की होती है जब यह त्योहार मनाया जाता है तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी तो दो प्रश्न आपके सामने दोनों को मैं सामान्य मानता हूं तीसरा प्रश्न देखिए भारत के संविधान ये संविधान है इसमें मात्रा गलत लगी है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं सेकेंड फंडामेंटल राइट्स जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया जिसमें आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा रहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो यहां जो स्वतंत्रता की बात की गई है ये पर्सनल लिबर्टी की बात है जीवन जीवन जीने का अधिकार भी इसी को कहते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एर्टिकल ट्वेंटी रिपीट नहीं होते हैं लेकिन उसके आसपास की रिलेटेड चीजें एग्जाम में आती जैसे आपने दूसरे सेट में इससे रिलेटेड या पहले सेट में एक प्रश्न देखा था वो भी आर्टिकल ट्वेंटी वन से रिलेटेड था कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा ऐसा प्रश्न आया था बिल्कुल मोहित जी मैं दिल्ली पुलिस के भी पेपर करा दूंगा अगर समय मेरे पास रहा तो मैं जरूर करा दूंगा चलिए अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच अब ये जो प्रश्न आया है यानी आपको बताना है कि किसमें मिसमैचिंग है करेक्ट मैच नहीं है नॉट द करेक्ट मैच कह रहा ये ये है ये ध्यान रखिएगा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है तो यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न यानी साइंस का सेगमेंट और वो भी सरल सा कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता ऑरेंज में कौन सा एसिड ग्रेप्स में कौन सा एसिड यानी टमाटर में कौन सा अम्ल होता है ऑरेंज में यानी नारंगी अस जिसे हम संतरा कहते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ग्रेप्स यानी अंगूर में और द एसिड प्रेजेंट इन रैनसिड बटर रैंसिड बटर मतलब बासी मक्खन तो जो बासी मक्खन है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है इसे मैच करके बताना है तो यहां पर इनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में यह कह रहा सही सुमेलित नहीं, नहीं पर गौर करी जैसे संतरा आप जानते ही है साइट्रिक एसिड होता ही है क्योंकि ये साइट्रिक फ्रूट कहलाता है तो ये तो कम से कम श्योर है अब आपको बताना है मिसमैच कौन सा कर रहा है तो अगर एसिड की बात की जाए जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनमें तो यहां आप पाएंगे कि टोमेटो में जो एसिड की बात की गई टोमेटो में यह कह रहा है फार्मिक एसिड यही मिसमैच है तो यही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए यानी इसमें फार्मिक एसिड नहीं होता ऑक्सीलिक एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट अकर्स नेचुरली इन ऑलमोस्ट एवरी प्लांट टू तो डिग्री इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रीन ग्रीन यानी खाद्यान्नों में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पर उत्तर हो जाएगा टोमैटो में जो आंसर दिया था वो नहीं होगा यानीमैच है तो आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन फिलहाल इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं साइंस की मैम से फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है बिल्कुल तो लालू यादव ने जो चींटियां भेजी हैं बिल्कुल सही है जब चीटियां काटती हैं तो स्किन पर जो जलन होती है उसका कारण होता है यहां पर फॉर्मिक एसिड वेरी गुड आगे बढ़ते हैं भाई समय इस समय टमाटर मत दिखाओ आशीष जी टमाटर इस समय सेब से भी ज्यादा कीमती चीज है आगे बढ़ते हैं अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत हिस्सा महासागरों में पाया जाता तो जो समस्त भूमंडल है एंटायर अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो इस समस्त भूमंडल पर आप देखते हैं कि एक तिहाई हिस्सा वो स्थल का है लैंड पोर्शन है और बाकी रिमेनिंग टू थर्ड पोर्शन यह जल का क्षेत्र है यानी हमारे पृथ्वी पर दो तिहाई भाग जल है अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं मैं समस्त भूमंडल मतलब अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं अर्थ सरफेस पर एक बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं जलीय भाग है तो इसमें से जो ये दो तिहाई जलीय भाग है इसमें से अधिकांश हिस्सा वो महासागरों में पांच महासागरों में समाया हुआ तो ये जो ओशंस है इसमें लगभग मोर देन 97 परसेंट मोर देन 97 परसेंट लगभग 97.25 परसेंट वाटर वो ओशन में ही पाया जाता है 97.25 परसेंट वाटर वो ओशन में है यानी भले ही दो तिहाई भाग जल है लेकिन महासागरीय जल आप लोग जानते हैं खारा पानी होता खारा पानी यानी इसमें सेलिडिटी होती है ये सलाइन वाटर होता है जो पीने योग्य नहीं है तो लगभग सत्तानवे प्रतिशत से अधिक भाग वो खारा पानी महासागरों में मौजूद है तो यहां आंसर जो आप लगाएंगे आपको आंसर मिला ऑप्शन बी ठीक है जो स्वच्छ जल है उसका अधिकांश भाग महासागर में नहीं बल्कि इसमें पाया जाता है बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में तो लगभग दो प्रतिशत मीठा पानी टू परसेंट के आसपास आप कह सकते हैं वो ग्लेशियर्स में मौजूद है आइस कैप्स में मौजूद है तो अगर महासागरों के बाद आप देखें तो जल कई रूपों में पृथ्वी पर मौजूद है जिसमें एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स में पाया जाता यानी हिमालयों में या आइस कैप में पाया जाता तो आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में लगभग टू परसेंट के आसपास वाटर मौजूद इसके अलावा फिर लेक्स में पानी यानी झीलों में पानी है या फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर नदियों में है अन्य जलाशयों में है जैसे वायुमंडल में भी पानी मौजूद है जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं तो पौंड हो या अंडरग्राउंड वाटर हो ये सब जल के अलग अलग स्रोत है और इस तरह से हमका नहीं एक परसेंट तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया कीर्ति रिवर वाटर एक परसेंट नहीं है तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर हम कहेंगे आंसर हो गया ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पूछी गई तो सेंसेस से अक्सर बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है हम्म यहां पर सेंसेस यानी जनगणना पर आधारित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और 2011 के बाद 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई उसका कारण आप जानते हैं कि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड के पैंडेमिक के कारण स्थगित हुई तो इसलिए अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर आप पाएंगे कि 2011 की जनगणना के आधार पर तो दस वर्ष में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है क्योंकि हर दस वर्ष पर जनगणना होती है इसी को डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं जिस रेट के साथ पूरे दस साल में जनसंख्या बढ़ी उसमें आप देखेंगे उसे डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं और इस बार की जनगणना में जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी 2001 से 2011 में वो आप देखेंगे सेवेंटीन जिसमें मेल में सेवेंटीन और फीमेल में एटीन पॉइंट वन टू तो यहां पर सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर यह आंसर होगा और ये लगभग सेवनटीन पॉइंट सेवन जीरो के आसपास है तो आप आंसर लगा देंगे सी एक बात और ध्यान रखिएगा सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है सनी सिंह तो सनी सिंह ये कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है तो बहुत दुखी होने वाली बात है लेकिन आप फिर भी मैं सलाह दूंगा बीती हुई बातों को भूलकर अगले साल की तैयारी पर अभी से जुट जाइए जो हो गया उसे एक दुर्घटना मान लीजिए लेकिन यह आपको एक संदेश देता है कि आप भविष्य में ऐसा कोई ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको परीक्षा से ही वंचित होना पड़े चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये जो दशकीय वृद्धि दर रही इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां पर निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट रही निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट रही यानी दस साल में यहां पर आबादी बढ़ने के बजाय घट गई तो एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसने डिकेडल ग्रोथ रेट में निगेटिव रेट हासिल किया हाँ, बिल्कुल सनी एक ही उपाय है फॉर्म भरते समय सावधानी बरतिए। ठीक आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर आते हैं परम हंस मंडली के बारे में पूछा है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी तो यह कह रहा है कहां पर किस स्थान पर हालांकि ये प्रश्न बहुत सरल है मैं अभी तक जितने भी प्रश्न देख रहा हूं मुझे अभी तक सब कुछ सरल ही लगा कोई बहुत विशेष कठिन प्रश्न नहीं दिखाई दिया छे, के छे लगता है मुझे आपको उत्तर करना चाहिए लेकिन इस प्रश्न में मुझे एक डाउट डाउट ये कि ये 1840 नहीं मैंने जो पढ़ रखा है अठारह सो होना चाहिए था मैं बहुत श्योर नहीं अभी याद आ रहा है लेकिन अभी ये याद आ रहा है कि परमहंस मंडली जिसमें आप देखें आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी आत्मारंग आत्मा पांद। आत्माराम पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं संस्थापकों में आप पाएंगे कि आत्माराम पांडुरंग के जो सहयोगी थे वो थे बाल कृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग बाल कृष्ण जयकर भी इनके साथ थे बाल कृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग थड़करकर पांडुरंग तरखड़कर दादोबा पांडुरंग तरखड़कर तो इन लोगों की सहायता से यहां पर परमहंस मंडली की स्थापना हुई यह नाम ही बहुत कुछ बता देता क्योंकि जयकर पांडुरंग ये सब टाइटल आपको मराठी क्षेत्रों में मिलेगी तो अगर यहां पर संस्थापक का नाम याद था तो आप इस आधार पर भी गेस कर सकते थे और आंसर हो जाएगा बॉम्बे वैसे सरल सा सवाल था क्योंकि सामाजिक सुधारों के लिए जो यहां संगठन बनाए गए उसमें परमहंस मंडली महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार संगठनों में अग्रणी माना जाता है तो आंसर हो गया सी ऑप्शन यानी सात सात के प्रश्न मुझे बहुत सामान ही लगे आगे बढ़ते हैं अब। आठवां प्रश्न अठारह में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था इससे सरल प्रश्न और क्या हो सकता है ड्रीमिंग यूपीएससी साहब जी हिस्ट्री पॉलिटी की मैराथन आप सबने एक कल्चर सा डेवलप कर लिया है सब कुछ मैराथन मैं प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज पिछले पंद्रह दिनों से चला रहा हूँ वो मैराथन ही है क्योंकि तो मैं एक प्रश्न को ही मैराथन बना देता हूं, उसमें भी मेरी जो जानकारी रहती है वो कोशिश होती कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज बताऊं तो यहाँ पर अट्ठारह के विद्रोह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान रखें अठारह का विद्रोह का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुई मई अठारह मई सत्तावन को इसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। किस स्थान से प्रारंभ हुआ तो मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था ब्रिटिश क्राउन उस समय कौन था अगर पूछे तो क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया उस समय उनकी ताजपोशी हो चुकी थी फिर इसी तरीके से मुगल सम्राट कौन था मुगल एम्प्रर कौन थे उस समय तो बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय बहादुर जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे इनका जफर उपनाम था, तो बहादुर शाह ऐसे ही उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे अगर पूछा जाए ब्रिटेन के पीएम कौन थे तो लॉर्ड पामस्टन लॉर्ड पामस्टन उस समय पीएम थे फिर इसी तरीके से गवर्नर जनरल कौन था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे इसी तरीके से अगर आपसे पूछते हैं कि कंपनी का सेनापति कौन था जब ये विद्रोह हुआ तो कंपनी का सेनापति कौन था तो उसका नाम था जॉर्ज एनिसन जॉर्ज एनिसन उस समय सेनापति था जब विद्रोह शुरू हुआ लेकिन फिर जॉर्ज एनिसन को हटाकर इनकी जगह पर नए सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे उनका नाम था कॉलिन कैंपबेल कॉलिन कैंपबेल को फिर नया सेनापति बना दिया गया था यह था नया सेनापति जब विद्रोह शुरू हो चुका था तो एक अच्छे कमांडर को सेना का चार्ज दिया गया तो यहां पर कॉलिन कैम्बल बन गया फिर सेनापति तो ये सब विद्रोह के समय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया कि मुगल सम्राट कौन था तो ये तो बहुत सरल सवाल हो गया आप सब इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे यानी आठ प्रश्नों में अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रश्न नहीं लग रहा है जो मैं कह दूं कि वो बहुत स्तरीय प्रश्न है और आप उसमें दिक्कत में हैं आठ के आठ ये सही किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए जरा पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण कौन से अवस्था की ये बात कर रहा है ये कह रहा है कि द मोशन ऑफ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन आपने चैप्टर जरूर पढ़ा है और उस संदर्भ में अगर देखें तो बहुत सरल सा प्रश्न है मोशन के टॉपिक से रिलेटेड यह मैं सरल प्रश्न ही मानता हूँ क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहा है यानी मुक्त रूप से गिरने वाली जो यहाँ पर पिंड है उसकी गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा फ्रीली फॉलिंग इसके बारे में कुछ जानकारी लिख दी है मैंने बार बार कहा कि विज्ञान या साइंस के प्रश्नों पर आपको राधिका मैम विस्तार से व्याख्या देंगी फिर अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स का है सकल प्राथमिक घाटा को लेकर ग्रास प्राइमरी डेफिसिट देखिए ये तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि यह किस सब्जेक्ट का प्रश्न है इकोनॉमिक्स आप में से कोई ऐसे महानुभाव तो नहीं है जो यही ना जान पाए किस विषय का प्रश्न है तो जीएस के प्रश्नों को हल करने में पहले तो ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हम किस विषय का प्रश्न हल कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स का है इकोनॉमिक्स में अगर इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कोई चैप्टर हमें ढूंढना हो कौन से चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा तो आप कहेंगे कि सर ये जो घाटा शब्द है ये हम लोग पढ़ते हैं जब बजट के बारे में पढ़ते हैं बजटरी प्रोविजन जब आप पढ़ेंगे बजटीय प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे तो इसी में यहां पर आप के बारे में भी पढ़ें घाटा के बारे में आप पढ़ेंगे और आपने जरूर पढ़ा हो, हो यानी घाटे के प्रकार घाटे के प्रकार तो कुछ घाटा आपने बहुत महत्वपूर्ण है जो पढ़ा होगा जैसे राजस्व घाटा राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट या फिर जैसे राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट फिजकल डेफिसिट और या फिर प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरह से आपने इन सब के बारे में जरूर पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं इकोनॉमिक्स अगर आपने थोड़ा बहुत तैयार किया तो जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हैं यानी जब हम प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, यानी जो ब्याज अदायगी है जो ब्याज भुगतान है अगर इसको यहां पर फिजिकल डेपसिट से राजकोषीय घाटा से निकाल दिया जाए तो प्राथमिक घाटा कहलाता तो अगर ये बात आप जानते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा ग्रॉस फिजिकल डेपसिट यानी सकल राजकोषीय घाटा और जो यहां पर इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है इंटरेस्ट को जो पेमेंट देना है इंटरेस्ट जो यहां पर है करंट इस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट यही यहां पर ग्रास प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए लिखा है कि जो यहां पर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ब्याज का भुगतान करेंगे और करंट फिजिकल ईयर्स में जो यहां डेफिसिट हुआ फिजिकल डेफिसिट को माइनस कर देंगे तो हमें यहां पर प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा तो इस आधार पर आंसर क्या होगा आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी क्योंकि इंटरेस्ट रिसिप्ट ब्याज देताएं जो हमारी ब्याज प्राप्तियां नहीं एक बात और बता देता हूं यहां बच्चों इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा यह इंटरेस्ट रिसिप्ट जो लिखा है यह इसके लिए होना चाहिए ब्याज प्राप्तियां और इंटरेस्ट लाइबिलिटीज होना चाहिए ब्याज देवताओं के लिए ब्याज है होती है ये में है अलग लिख गया हिंदी में अलग तो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देवताए ये हिंदी वाला सही है आंसर यहां बी हो जाए और अगर इंग्लिश वाले ऑप्शन को पढ़ा जाए तो ये वाला सही हो जाएगा यानी डी तो ये चीज ध्यान रखिएगा सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज का भुगतान पेमेंट माइनस की जाती है यानी देता है लाइबिलिटीज ये लाइबिलिटीज इंग्लिश के ऑप्शन में नीचे है जबकि ऊपर होना चाहिए तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा कि इंटरचेंज कर लीजिए आप लोग इंटरचेंज बस आप समझ लीजिए जरूरी नहीं है ऐसा है कोई प्रश्न आए ऑप्शन यही आए कुल मिलाकर के प्राथमिक घाटे का मतलब क्या हुआ फिजिकल से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना है ब्याज का भुगतान या इंटरेस्ट लाइबिलिटीज माइनस करनी तो ये निकाल दिया जाए तो इसको कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट क्या पता आपके एग्जाम में यहां पर फिजिकल डेफिसिट ही आ जाए तो जब हम टोटल एक्सपेंडेचर में से टोटल एक्सपेंडेचर में से माइनस टोटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट माइनस कर देते हैं यानी कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर तो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां अगर निकाल दी जाए तो इसी को ध्यान रखिएगा कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट यानी यह होता है यहां पर राजकोषीय घाटा और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें से हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दें यानी राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दें तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं अब बाकी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी लेकिन यहां इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल मैंने आपको समझाया कि ऑप्शंस में गलती कहां इंग्लिश में ये कुछ और है इसकी हिंदी यहां ऑप्शन डी है और यहां जो इंग्लिश है उसकी यहां हिंदी ऑप्शन बी में है तो बी और डी दोनों आंसर है अगर आप हिंदी के हिसाब से उत्तर लगा रहे हैं तो बी इंग्लिश के हिसाब से लगा रहे हैं तो ऑप्शन डी ठीक चलिए हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो या हो सकता है पेपर में भी ऐसे ही गलती रही हो आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है ये इंडिकेशन है कि एसएससी में एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि नृत्य संगीत इस सबसे प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा वो यानी स्टैटिक जीके में ये एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना तो कहाँ कौन सी नाच होती है कहाँ कौन सा गायन होता है कहाँ कौन से रंग कर्मी काम करते हैं कौन कौन से विशेष रंग कर्म है नाट्यकर्म है इन सबको आप पढ़ लीजिए फिर बजाने वाले बजाने के मतलब यहाँ पर वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग उनके बारे में भी जान लीजिए तो स्टैटिक के में आपको एक कल्चरल अचीवमेंट से प्रश्न जरूर मिलेगा इसलिए संगीत है नृत्य है या वाद्य यंत्र हैं घराने हैं जो गायन के इन सबको पढ़कर जाइए बच्चों एक बार जरूर तो यहां पर प्रश्न है कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है यहां पर प्रश्न है लोक नृत्य को लेकर जिसमें लाहो फूलपति मटकी ज्वारा हमें तो कुछ भी नहीं मालूम आप सबको मालूम होगा तो यहाँ उत्तर वैसे मैंने जो चेक किया है वो लाहो है तो आंसर हो गया ए फूलपति मटकी ज्वारा ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है नाम से तो ऐसा लग रहा है कि शादी से जुड़ा कुछ मामला है फूलपति मटकी ये सब शायद शादी विवाह के अवसर पर होने वाले नृत्य होंगे तो यहां पर मैंने आंसर भी लिखा है और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है ठीक है आगे बढ़े तो फूलपति डांस परफॉर्म किया जाता है मालवा रीजन में मध्य प्रदेश में अनमेरिड गर्ल्स इसको परफॉर्म करती हैं और मटकी डांस भी मालवा रीजन में होता है वेरियस ओकेजन पर जैसे मैरिज वगैरह के टाइम पर अहीर और गड़रिया नाम के जातियों के लोग इस तरह के डांस करते हैं और फिर इधर मध्य प्रदेश में जो जवारा डांस होता है यह भी एक पॉपुलर फोक डांस है जो लाहो ऑप्शन में दिया गया है यह मेघालय का है ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लाहो लाहो कहां का है मेघालय यह भी एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशियाई खेल का मेजबान चुना देखिए एशियाई खेल के पीछे पड़ गया से 2018 वाला भी पूछा तो इंडोनेशिया इसको और कोई खेल मिल नहीं रहा था तो इसने इसी पर दो दो प्रश्न आपके पेपर में डाल दिए और दूसरा यहां 2022 के एशियाई खेल के मेजबान किसे चुना गया खेलों से भी अक्सर प्रश्न आ ही रहे हैं कुछ शब्दावलियों को लेकर आ जाते हैं कुछ करंट इवेंट से आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो एशियाई खेल का आयोजन होना था 2022 में ये कोविड के कारण अगर आप देखेंगे कोविड महामारी उस समय फैली थी इसलिए 2023 में जाकर हुआ और यह कहां पर हुआ तो यह गुआंगजो चाइना में हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 वाला हुआ था प्रत्येक चार साल पर एशियाई खेलों का आयोजन होता है तो गुआंगजो चाइना में हुआ इसके बारे में मैंने यहां पर जानकारी लिख दी तो नाइनटीन एशियन गेम्स आंसर हांगजू 2022 लिखा यही है ग्वांगजो जो भी ऑप्शन है यहां पर आप, आप देखें तो सॉरी पहला ऑप्शन वो मैंने गलती से बी लगा दिया इसको करेक्ट कर लीजिए आंसर होगा पहला चाइना यानी ऑप्शन ए सही होगा तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा बच्चों नकल मारकर उत्तर देने वाले सब गलत हो गए इसीलिए मुझे ही केवल मत फॉलो करिए आपने जो पढ़ा उसको भी देखिए और साथ में देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया चीन का एक शहर है हांगझाउ यहां पर नाइन एशियन गेम्स हो रहा है। तो होस्ट सिटी है हो चाइना या हांगजो चाइना इसके बारे में यहां पर जानकारी मैंने दी है ये दोनों भी एक नजर पढ़ लीजिएगा क्या पता ऐसा कुछ रिपीट होकर आपके पेपर में आ जाए अगला प्रश्न रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना देखिए रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का संबंध अगर देखा जाए तो ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से ये इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है इसका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं संसदीय चुनाव उसमें भी इसकी भागीदारी होती है इसीलिए चर्चित है और थोड़ा सा इतिहास से भी जुड़ी है खासकर बंगाल में ढाका में अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था हुआ करती थी अनुशीलन समिति से कहा जाता है ये प्रेरित है वहां से इसका इतिहास जुड़ा हुआ तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी त्रिदेव चौधरी ने इसकी स्थापना की थी और इसने लोकसभा के चुनाव में भी भागीदारी की थी तो 19 मार्च 1940 को रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी गई ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर देखी जाती है और त्रिदीप चौधरी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी इसको बंगाली लिबरेशन मूवमेंट अनुशीलन समित से जोड़ा जाता है और साथ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से भी इसको रिलेट किया जाता है। तो के में, 1999 में और दो हजार चार में इसने जीरो पॉइंट फोर परसेंट वोट भी गेन किए थे त्रिपुरा में ये लेफ्ट फ्रंट के रूप में अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के रूप में और इधर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला जो यूडी UD, यूडीएफ के, के नाम से जानी जाती केरला में वहां पर भी ये भागीदारी करती है राजनीति में तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 1940 ये एक राजनीतिक दल है आगे बढ़ते हैं गायिका सुजाता और अनंतु को देखिए उस प्रश्न को मैं मान लेता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा ये प्रश्न सहज नहीं रहा होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता आपको अनुशीलन समिति ढाका में जब बंगाल में क्रांतिकारियों का दल काम कर रहा था तो उसी समय बंगाल में रिवोल्यूशनरीज का क्रांतिकारियों का आप देखेंगे एक संगठन बना अनुशीलन समिति मनी दत्ता जैसे लोगों ने एक संगठन तैयार किया तो बरकतुल्ला मनी दत्ता इस तरह के क्रांतिकारी हुए बंगाल में और उसी समय वहां ढाका अनुशीलन समिति का गठन हुआ जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों से बंगाल की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे उससे इसका इतिहास कहा जाता है जुड़ा है उससे प्रेरित है ये पार्टी चलिए आगे बढ़ते हैं अब गायिका सुजाता और अनंत को तमिलनाडु सरकार द्वारा किस वर्ष के लिए कैलामा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कैलामा मणि पुरस्कार एक तो किस क्षेत्र में दिया जाता है और दूसरा ये किस वर्ष के लिए दिया गया ये यहां करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2021 थोड़ा सा इसके बारे में मैंने यहां जानकारी लिख दी है सिंगर सुजाता एंड अनंतु बीन अवार्डेड बाय थाउजेंड मनी अवार्ड फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट यह स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है किस फील्ड में बेसिस पर दिया जाता है आर्टिस्ट को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन देर रेस्पेक्टिव फील्ड कला क्षेत्र में दिया जाने वाला तमिलनाडु राज्य का यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो यहां पर यह केमिस्ट्री का प्रश्न है इसकी विस्तृत व्याख्या आपको राधिका मैम से मिलेगी लेकिन मैं यहां पर उत्तर कम से कम आपको बता सकता हूं इसमें आंसर क्या होना चाहिए ऐसे ऑप्शन में यहां लोहा है नहीं लेकिन यह कॉपर से अधिक रिएक्टिव माना जाता इसमें आपको बताना है कि कॉपर से अधिक रिएक्टिव कौन होगा तो कॉपर से अधिक रिएक्टिव तो आंसर हो जाएगा यहां पर जिंक यानी ऑप्शन बी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक ये विधेयक होना चाहिए विधायक नहीं संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था तो ये पूछ रहा है किस डेट को बताइए ये डेट को लेकर भी ऐसा प्रश्न दे रहा ये मैं थोड़ा सा आपके लिए असामान्य मानूंगा क्योंकि अगर कोई बच्चा करंट पढ़कर भी गया है तो ये विधेयक किस तारीख को लोकसभा में आया ये बता पाना उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल तो मैं यहां पर यह मानकर चलता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए असहज है यानी अभी तक सोलवे प्रश्न पर हम लोग हैं जिसमें मैं दो तीन छोड़ दूं तो लगभग सब सामान्य प्रश्न लग रहे यानी अभी भी दस बारह प्रश्न ऐसे आए जो बहुत सामान्य है तो इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल है पांच अगस्त दो हजार बाईस जो कि ऑप्शन में अगर आप देखें तो डी था तो आप आंसर यहां पर डी लगाएंगे लेकिन मैं इसे सामान्य से थोड़ा सा अलग मानता हूं आंसर डी लगाना है बच्चों आपको बाकी इसकी व्याख्या अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं तो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया उसके लिए यह प्रस्ताव आया ये विधेयक आया और इस तरह से ये एक एक्ट बना 2019 में यह जो एक्ट था इस एक्ट में संशोधन करने के लिए बिल लाया गया और इसमें संशोधन करके एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसे इंटरनेशनल सेंटर के रूप में डेवलप किया गया इसके लिए यहां संशोधन किया गया तो यहां पर 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में इसके लिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन डी उस समय यूनियन लॉ मिनिस्टर थे किरेन रिजिजू तो किरेन रिजिजू उस समय कानून मंत्री थे चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेबी भारत में शेयर मार्केट से जुड़ी एक संस्था सेबी जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के नाम से जानी जाती है और सेबी के बारे में इसने पूछा है कि इसके अगले अध्यक्ष के रूप में 2022 में मार्च में किसे नियुक्त किया गया यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो हालांकि इसका आंसर है ऑप्शन बी लेकिन करंट अफेयर्स के लिहाज से मैं मानता हूं कि यह सरल प्रश्न था क्योंकि जो नई नियुक्तियां होती है कुछ बड़े संस्थानों में वो आपको करंट अफेयर्स में पढ़कर जाना होता तो इसका मतलब उत्तर होगा ऑप्शन बी और मैं इसे भी एक सहज प्रश्न मानता हूं तो अब तक हम लोगों ने सत्रह प्रश्न हल किए मैं इसमें तीन चार प्रश्नों को हटा दूं तो कह सकता हूं कि लगभग आपके सामने तेरह चौदह प्रश्न बहुत सामान्य ही रहे फिर मंगू भाई छगन भाई पटेल मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया ये पूछा गया तो ये भी आप सब न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए और मैं फिर बार बार वही बात दोहरा रहा हूं कि जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इस तरह की जो चीजें हैं जो राजनीतिक स्तर पर चाहे सांस्कृतिक स्तर पर जो भी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये सामान्य जानकारी के तहत आएगा क्योंकि राज्यों के राज्यपाल भी आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते रहे तो आंसर फिलहाल ए होगा और इस पर भी मैंने व्याख्या लिख दी है तो मैं इसे भी सहज प्रश्न मानकर चल रहा हूं यानी अभी 18 में कम से कम 14 प्रश्न ऐसे आपको मिले जो बहुत सहज है। फिर दो में संगीत नाटक अकादमी का जो फेलोशिप है उसमें पर्स मनी बढ़ा दी गई दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई इस संदर्भ में पूछा गया है कि वो अमाउंट क्या है। तो ये प्रश्न मैं थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल मान लेता हूं वैसे जहां तक मुझे उत्तर मिला इसका उत्तर बी ऑप्शन है मैंने व्याख्या यहां लिख दी है थी लैक ये आंसर है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए मानता हूं सामान्य के बजाय स्तरीय प्रश्न है तो इस प्रश्न पर मैं ये कह सकता हूं कि सभी के लिए सहज नहीं था 19 में से पांच हो गए तब भी 14 अभी यहां पर सामान्य प्रश्न फिर निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में तंत्रा नहीं तंत्र होगा इसमें एकल द्वार होता जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता तो किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स है सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम an anus. ये तो बड़ी रोचक जानकारी मेरे लिए खुद ही है तो यहां पर इसे नाम दिया गया प्लानिस्ट भाई कौन सा जंतु है मैं खुद भी नहीं जानता तो यहां पर जैसा नाम मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से ऑप्शन में यहां पर ऑप्शन सी है तो मैं कहूंगा आंसर आप लगा दीजिए ऑप्शन सी तो ये शायद हिंदी में सही लिखा नहीं सही लिखा यह मैं कह पाना मुश्किल है सर एक्सप्लेन करें संगीत एकेडमी को संधि रा राम जी आपने पूछा संगीत एकेडमी को एक्सप्लेन करें संगीत एकेडमी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहे तो यहां पर मैंने दे दिया एक बार देख लीजिएगा फेलोशिप को लेकर के यहाँ पर जानकारी दे दी गई तो इसका उत्तर आप सी लगाएंगे बाकी आपको साइंस वाली मैम शायद ये ज्यादा अच्छा समझा पाए क्योंकि मैंने इस तरह का प्रश्न पहले नहीं देखा एक अच्छी जानकारी फिलहाल यहाँ पर दी गई मैंने इस पर एक जानकारी जो इकट्ठी की है वो यहाँ दे दी है आप पढ़ना चाहें तो यहां से भी इसको फॉलो कर सकते हैं आगे है 2000 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में एक पतन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज और सामान उतारा जाता तो 2200 साल पहले और 1900 साल पहले के बीच में तो 2200 साल पहले का मतलब यह हो गया कि हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास का समय रहा होगा यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का क्योंकि अभी अगर 2000 हम मान ले तो 200 सौ कह सकते हैं यानी लगभग 200 सौ बीसी से 100 हंड्रेड के बीच का समय और आप इसमें देखेंगे दक्षिण भारत में पतन था अरिका मेडू अरिका मेडू ये दक्षिण की तरफ व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था और अरिका मेडू से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ रोमन व्यापार के प्रमाण मिले रोम साम्राज्य से होने वाले व्यापार का प्रमाण मिलता तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि कराइकल की बात करें तो कराईकल अगर आप देखें संगम काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र वीर वीरम पत्नीम यह भी कहीं ना कहीं संगम काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यनम जो पांडिचेरी की बस्ती थी ये ब्रिटिश काल में कहा जाता है व्यापार का केंद्र बना तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर आप डी लगाएं नियरेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ डी ही है। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा स्तरीय मान लेता हूं चलो 21 में से तब भी मैंने क्या कहा कि अभी भी आपके पास कम से कम 14-15 प्रश्न सरल ही कौन सा सोडा लाइम है अब ये तो यहां सोडा होगा ये कौन सा सोडा लाइम है तो सोडा लाइम ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा और इस आधार पर आंसर जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन डी होगा देख लेते एक बार तो NaOH और CaO ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया सोडियम HO ओ हो गया हाइड्रो ऑक्साइड और फिर कैल्शियम ऑक्साइड इससे मिलकर के यहाँ पर सोडा लाइम बनता है तो आंसर यहां पर हो गया डी ऑप्शन केमिस्ट्री का प्रश्न है फिर आगे बढ़ते हैं केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया यह विधेयक किस वर्ष में स्थापित था जिसमें बंदी शिनाख्त अधिनियम को यह निरस्त करेगा यानी बंदी शिनाख्त अधिनियम किस वर्ष में बना था जिसको ये रद्द करने के लिए निरस्त करने के लिए विधेयक लाया गया तो किसी भी आपराधिक मामले में जो बंदियों की शिनाख्त या आइडेंटिफिकेशन का मामला होता है प्रिजनर्स की आइडेंटिफिकेशन का मामला इस संदर्भ में क्रिमिनल प्रोसीजर में एक अमेंडमेंट करने के लिए यहां पर यह विधेयक प्रस्तावित किया गया तो यहां पर आप पाएंगे आंसर क्या हो जाएगा बंदी शिनाख तदिनियम अब ये वैसे तो लॉ से रिलेटेड प्रश्न हो गया ये पॉलिटी का क्वेश्चन में नहीं मानता क्योंकि 1920 के बंदी शिनाख्त अधिनियम पर प्रश्न पूछा गया है तो ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसे भी मैं एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के संदर्भ में कहूंगा कि यह सामान्य से थोड़ा सा हटकर है भाई विशाल प्रजापति जी हो सकता है कि बरसात का सीजन है कुछ यहाँ कीड़े वगैरह भी कमरे में आ गए हो कोई दिक्कत नहीं उससे सर पे क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस केयर के लिए अगला प्रश्न है भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था वेर वाज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया स्टैब्लिस तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में रिसरा नाम की एक जगह थी जहां पर जूटा सो पचपन में स्टैब्लिस किया गया था पहली जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी रिसरा इस जगह का नाम था बंगाल में अठारह में पहली जूट मिल लगी और आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर जूट उस क्षेत्र में सबसे प्रमुख आर्थिक व्यवसाय या गतिविधि का केंद्र बन गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था श्री जो कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था किस राज्य में लागू किया गया हालांकि तो ये कार्यक्रम काफी पुराना है केरल में लागू किया गया था ये 17 मई उन्नीस को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लॉन्च किया गया था तो काफी पुराना मैटर है ये उदुम श्री केरला स्टेट में जिसमें पोवर्टी इराडिकेशन मिशन के तौर पर इसको शुरू किया गया था तो मैं ये मानकर चल रहा हूं ये प्रश्न भी सामान्य नहीं यानी आज के इस प्रश्न पत्र में मुझे फिलहाल कम ही मिले सोलह सत्रह प्रश्न फिर भी मैं कहूंगा ऐसे थे जिसको मैं सामान्य श्रेणी में रखूंगा सामान्य श्रेणी सामान्य स्तर के प्रश्न थे यानी आप अगर इस पेपर में भी ये कह टफ था तब भी 16-17 करने की स्थिति में थे अगर आपने सामान्य स्तर पर पढ़ाई की होगी ठीक से तैयारी करके परीक्षा में शामिल हुए हो तो अगर जीएस में आप इस लेवल तक आ रहे हैं तो टीयर वन क्वालिफाई करने में मुझे नहीं लगता कि आपको जीएस की वजह से कोई परेशानी हो जो बच्चे यहां पर सत्रह अट्ठारह का टारगेट पूरा कर लेते हैं वो टीयर वन चूंकि क्वालिफाइंग लेवल का एग्जाम है तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वालिफाई करने में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी हाँ भाई वो ऐसे ही है बाल उसमें कोई मेरी स्टाइल नहीं है जन्मजात रूप से ऐसे ही हो गया तो कुछ कर नहीं सकता मैं मैं कोई हेयर स्टाइल रखता नहीं बहुत सामान्य चीजें पसंद करता हूं लेकिन अब वो बाल ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं बार बार पीछे करने की कोशिश लेकिन नेचुरली फिर से आगे आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं अब आज के हम लोग मॉडल पेपर पर आते हैं यानी प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो सीरीज में चला रहा हूं उसमें जियोग्राफी के आज के प्रश्नों को हल करते हैं तो चलिए बहुत अच्छा रहा अनुराग नॉलेज बाबा जी आपका भी स्कोर बहुत अच्छा रहा जिसने भी मैंने कहा सत्रह सोलह सत्रह कर लिया उसका स्कोर इस पेपर के हिसाब से सही था अब जरा मॉडल पेपर के प्रश्नों को हल करें मैं ज्योग्राफी के संभावित प्रश्नों को लेकर कल से चर्चा शुरू कर चुका हूं अगले कुछ दिन आप ज्योग्राफी के प्रश्न करेंगे मेरा हिस्ट्री का सेशन और पॉलिटी का सेशन पहले ही हो चुका है और फिर इसके बाद लास्ट में इकोनॉमिक्स के भी ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगा तो चलिए इसका उत्तर दीजिए भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन देखिये आपने भूगोल में देखिए क्लासेस तो अभी जगमल जी मेरे ख्याल से एक सप्ताह और लगेंगे सात आठ दिन और लगेंगे जब चीजें मुखर्जी नगर में सामान्य होंगी तभी वहां क्लासेस शुरू होंगी तो अभी आप कम से कम वेट कर ले कुछ दिन और देखिए जब हम भारत के तटों की बात करते हैं यानी तटीय सीमा भारत की तटीय सीमा कोस्ट की बात करते हैं इंडिया के तो हम क्या देखते हैं कि भारत में एक पश्चिम में तट है पश्चिमी तट और दूसरी तरफ यहां पर पूर्वी तट है ईस्टर्न कोस्ट है तो भारत के मानचित्र पर जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारत समुद्री तट से घिरा हुआ है और इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र है ये भारत का पश्चिमी तट है इधर अरब सागर से लगा हुआ ये अरब सागर से लगा है और यह पूर्वी तट है जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ बंगाल की खाड़ी से बे बंगाल या बंगाल की खाड़ी से इधर की तरफ आप देखेंगे चार राज्य हैं जो तट बनाते हैं एक वेस्ट बंगाल है इसके नीचे ओडिशा है इसके नीचे आंध्र प्रदेश है और इधर तमिलनाडु इधर आप देखते हैं गुजरात है गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है महाराष्ट्र से नीचे गोवा है गोवा से नीचे कर्नाटका है और फिर केरला तो इधर आप पाएंगे पांच राज्य हैं जो पश्चिमी तट का निर्माण करते अब इधर जो तट है इसमें अगर हम दक्षिण से चलें तो सबसे नीचे है मालाबार तट मालाबार कोस्ट मालाबार से ऊपर चलते हैं तो मंगलौर से गोवा तक के बीच का जो इलाका वो कन्नड़ तट कहलाता है कन्नड़ तट से ऊपर जाते हैं तो यहां पर बंबई और गोवा के बीच का भाग कोंकण तट कहलाता है और कोंकण तट के ऊपर यहाँ पर गुजरात का तटवर्ती मैदान आता है गुजरात कोस्ट या गुजरात तट फिर इसके बाद यह काठियावाड़ और कच्छ प्रायद्वीप में तो कच्छ का प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप ये यह यहां पर आप देखें गुजरात को है यही दोनों मिलकर तो ये चार भागों में बटा है। इधर अगर हम देखें तो यहां आप पाएंगे कि ये उत्कल तट के नाम से जाना जाता है जो उड़ीसा और बंगाल के बीच फैला है इधर ये नॉर्दर्न सरकार कहलाता है उत्तरी सरकार और फिर सबसे नीचे यहां पर यह कोरोमंडल तट कहलाता है कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु से लगा हुआ तटीय भाग कोरोमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तटीय भाग उत्तरी सरकार हिमांशु ऑफलाइन क्लासेस आप मुखर्जी नगर आइए इंक्वायरी ऑफिस में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आप ऑफलाइन क्लासेस को लेकर अगर फी जानना चाहते हैं तो सारे डिटेल आपको मुखर्जी नगर आइए ऑफिस में सब मिल जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा उड़ीसा में उत्कल तट और पश्चिम बंगाल बंग तट के नाम से भी जाना जाता है तो अब जो प्रश्न किया गया वो इसलिए सरल हो गया क्योंकि आप ऑप्शन एक बार देखिए यहां कोरोमंडल तट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा यह तो तमिलनाडु से लगा हुआ और ये हो गया पूर्वी भाग में पूर्वी तट है ये पूर्वी तट है जबकि प्रश्न तो पश्चिमी तट को लेकर है तो आंसर ये हो नहीं सकता मालाबार तट ये केरल से लगा है अब यह पश्चिमी तट तो है पश्चिमी तट तो है लेकिन ये पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी भाग है सदर्न पार्ट है और यहां पर अगर आप देखें तो यह पश्चिमी तट का उत्तरी भाग पूछ रहा यह दक्षिणी भाग है और उत्तरी सरकार मैंने कहा यह आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तटीय भाग है आंध्र प्रदेश तो यह तो पूर्वी तट हो गया ईस्टर्न कोस्ट हो गया तो यह भी आंसर नहीं होगा तो केवल इतनी बात जानने से ही आंसर आ गया ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री पैरल रेंज ऑफ द हिमालय तो आपने यहां पर हिमालय के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि सबसे उत्तर में यहां पर है पामीर नाट ये मान लेते हैं पामीर नाट ये पामीर की गांठ है एक प्राकृतिक गांठ जहां पर कई पर्वत आकर आपस में मिले उसे पर्वत ग्रंथ कहते हैं यानी माउंटेनियस नाट कहते हैं नाट का मतलब जहां पर यह सारी चीजें एकुमिलेट हो रही तो पामीर नाट आप देखेंगे यहां से एक तरफ यह निकलता है इसका नाम है हिंदकुश जो अफगानिस्तान की ओर जाता है और इधर से एक निकलता है इसका नाम है क्यूनलुन ये क्यूनलुन पर्वत श्रेणी फिर इसके नीचे से यहां से आप देखते हैं काराकोरम की रेंज है काराकोरम काराकोरम के नीचे आप देखते हैं लद्दाख है लद्दाख श्रेणी है लद्दाख का ही एक्सटेंशन कैलाश के रूप में मिलता है कैलाश पर्वत श्रेणी और इधर सबसे अंत में जास्कर जास्कर श्रेणी है फिर यहां से आप देखेंगे एक आर्क के शेप में यानी नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत से लेकर के और इधर नामचा बरुआ तक नामचा बरुआ तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये ग्रेट हिमालय रेंज है ये ग्रेट हिमालय है जिसे हम मेन हिमालय के नाम से भी जानते इसमें दो अच्छ संघीय मोड़ भी हैं, यानी ये बहुत तीखा मोड़ बनाते हैं यहां से जो नॉर्थ ईस्ट में भारत के फैला हुआ और एक मोड़ यहां से सुलेमान पर्वत के रूप में पाकिस्तान की ओर चला गया सुलेमान तो ये जो पूरा ग्रेट हिमालय है इसी के पैरल आप पाएंगे इधर पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रेणियां इसी को हिमाचल रेंज या हिमाचल श्रेणी कहा जाता है या इसी को मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं और सबसे बाहर में जो वाह हिमालय आउटर हिमालय इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है तो जो ये ग्रेट हिमालय के उत्तर में ये पार्ट ट्रांस हिमालय कहलाता है और ट्रांस हिमालय के साउथ में फिर हिमालय के तीन पैरल रेंज हैं तो यहां से आप देखेंगे कि जो पूछा गया लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियां हैं इसमें से कौन सी एक नहीं है तो आंसर आप सबने बिल्कुल सही लगाया यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तो आंसर ए यहां उत्तर है हम्म चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं यहां पर <coughs> विचार शुक्ला जी आपके सामने प्रत्यक्ष का प्रमाण है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? फिर भी कह रहे हो जीएस में हवा नहीं लगती हवा की जरूरत ही नहीं है गर्मी ही लगे क्या दिक्कत है हवा क्यों लगे गर्मी ही लगती रहे बस आप केवल पढ़ने की घर भी बरकरार रखिए हवा भी मिलेगी चक्कर यह है कि आप सब जीएस क्या पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है वन लाइनर पढ़ के गए हो रिलेट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन से तो कहां से काम बने तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर सबसे बड़ा महासागर यानी ये आकार की बात कर रहा है साइज की बात कर रहा है और जब हम साइज में देखते हैं तो पांचों महासागर का क्रम क्या है सबसे पहला पैसिफिक दूसरा इसके बाद अटलांटिक तीसरा इसके बाद इंडियन ओशन इंडियन ओशन चौथा इसके बाद आप देखेंगे वो है आर्कटिक ओशन आर्कटिक ओशन और पांचवा इसके बाद अंटार्कटिक ओशन अंटार्कटिक ओशन आर्टिक ओशन को नॉर्दर्न ओशन भी कहते हैं और अंटार्कटिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी कहते हैं तो इस तरीके से कुल मिलाकर पांच के पांचों के क्रम ये है यानी इसमें अगर आप देखें हिंद महासागर थर्ड लार्जेस्ट है अटलांटिक महासागर सेकंड लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशन इसका आंसर हो गया यानी ऑप्शन सी होगा और दक्षिणी महासागर ये फिफ्थ लार्जेस्ट तो कुल पांच महासागर है इनका क्रम यहां पर ये है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखते हैं वो प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है उभारती है निर्मित करती है क्या कहलाती है। तो ये तो कम से कम आपको समझ में ही आ रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी के हैं आज आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद अब सोने दो नहीं ऐसे नहीं सोने दूंगा दस प्रश्न हम लोग हल करेंगे सर इसका गहराई भी बता दो अरे गहराई मत जानो विजय जो बता दिया ही बहुत है ठीक है चलिए बस इतना जान लो प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रंच ग्यारह हजार मीटर से ज्यादा गहरी तो यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में डायनेमिक सरफेस ऑफ द अर्थ इसके अंतर्गत आप ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो गतिशीलता इसके दो महत्वपूर्ण बल काम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार है कौन कौन से बल हैं जिसके कारण डायनेमिक सरफेस है एक को हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एक एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है यानी अंतरजात बल कहलाता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है इन साइड है उसको हम कहते हैं अंतरजात बल और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस एक एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है जिसे बहिर्जात बल कहते हैं और बहिर्जात बल का मतलब होता है कि ये आउटसाइड दी अर्थ लगता है आउटसाइड दी अर्थ यानी बाहर से जो बल लगता है तो एक अंदर से लगने वाला बल एंडोजेनिक फोर्सेज एक बाहर से लगने वाला बल इन दोनों के कारण ही हमारा अर्थ सरफेस डायनेमिक रहता है इसमें गतिशीलता रहती है अब जो अंतर जात बल है इसमें भी आप देखेंगे एक सडन फोर्सेज होती है और एक स्लो मोशन में यहां पर गतिशीलता दिखाई देती यानी एक आकस्मिक हलचल होती है और एक यहां पर मंद हलचल होती है आकस्मिक का मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप देखें भूकंप आ गया धरती हिलती हुई प्रतीत होती है वाइब्रेट होती है फिर ऐसे ही आप देखते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ ज्वालामुखी क्रिया हुई तो ये सब यहां पर आकस्मिक हलचल है सडन फोर्सेज तुरंत एहसास कराती मंद प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे डायस्ट्रोफिक फोर्सेज या पटल विरूपण तो पटल विरूपण का मतलब यह हुआ कि जहां पर धरती में उभार पैदा होता है पर्वतों का निर्माण होता है तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि यह पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में आता है पर्वतों का निर्माण होता है इसको पर्वत निर्माणकारी बल और इसके साथ साथ महादेश जनक बल भी कहा जाता है महादेश जनक बल के रूप में इसको हम देखते हैं तो एपिरोजेनिक फोर्सेस भी यहां इसके अंतर्गत शामिल है इसी को कहते हैं डैस्ट्रॉफिस यानी पटल विरूपण जिसमें पर्वत के रूप में उत्थान होता है तो ऊपरी सतह के भाग को यह उभारती है उभारेगी तो माउंटेन बनेगा पर्वत का निर्माण होगा ठीक है और खिसकाती है यानी इस तरह से भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है तो आंसर क्या हो गया पटल विरूपण यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाए ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर है अनाच्छादन है जो ऊपर से काट छांट की प्रक्रिया चलती है ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एंडोजेनिक उभार रहा है तो एक्सोजेनिक उसे काट छाट रहा यानी अपक्षय अपर्दन जैसी प्रक्रियाएं बाहर चल रही चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो इसमें उष्ण कटिबंध समशीतोष्ण कटिबंध शीत कटिबंध और फिर तापमान की स्थिति बताई गई यानी ये टॉपिक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक चैप्टर आया होगा बच्चों चैप्टर तो कम से कम ढूंढ ही ले हीट जोन ऑफ द अर्थ हीट जोन ऑफ द अर्थ आपने पढ़ा होगा यानी पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया पृथ्वी के ताप कटिबंध आपने पढ़े होंगे अब पृथ्वी के ताप कटिबंध जिसमें अच्छांशों के आधार पर इसे बांटा गया तो आप क्या पाएंगे यहां पर कि ये हमारा अगर ग्लोब है मान ले तो इसमें हम ये नोटिस करते हैं कि इक्वेटर के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी यह साढ़े तेईस डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा ये साढ़े तेईस डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा ये जीरो डिग्री का इक्वेटर यहां साल भर लगभग तापमान उच्च बना रहता है इसीलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिकल जोन कहलाता है यानी इसे कटिबंध कहते। इसे कहते कहा जाता है जिसका मतलब हुआ जहां पर गर्मी ठीक ठाक पड़ती है यानी उच्च तापमान की दशा उच्च तापमान की दशा रहती है हाई टेम्परेचर यहां होता फिर इधर आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री और ऐसे ही इधर आप देखें तो 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ में वो नॉर्थ में ये अंटार्कटिक सर्कल तो यहां से जो 90 डिग्री तक का क्षेत्र है यहां पर बहुत ठंडी पड़ती है इसे फ्रिजिट जोन कहते ये फ्रिजिट जोन है यानी इसे शीत कटिबंध कहा जाता है तो एक उत्तरी शीत कटिबंध है एक दक्षिणी सीत कटिबंध है ये दक्षिणी गोलार्ध में है वो उत्तरी गोलार्ध में और इन दोनों के बीच में शीतोष्ण कटिबंध आता ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता शीतोष्ण कटिबंध जहां पर थोड़ी गर्मी और थोड़ा ठंडा मौसम यानी इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है इस तरह से पूरे पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया है तो इस तरह से यहां पर अगर आप देखें तो जो उष्ण कटिबंध है उच्च ताप की स्थिति गर्मी पड़ती है शीत कटिबंध में अधिक ठंडी स्थिति और इसमें मध्यम तापमान तो ए का हो जाएगा थ्री और बी का हो जाएगा वन और सी का हो जाएगा टू तो ए का थ्री बी का वन और सी का टू ऑप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी यहां पर आप आंसर लगाएंगे और बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया चलिए अगला प्रश्न सूर्य का लगभग सत्तर प्रतिशत भाग किससे बना हाँ बिल्कुल पूजा सूर्य के अगर हम संगठन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम इन दो की प्रेजेंस है हाइड्रोजन और हीलियम और इसमें जो चलने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन यानी जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा न्यूक्लियर फ्यूजन इसी से आप देखेंगे हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं और यहीं से सूर्य में असीम ऊर्जा पैदा हो रही यही सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित होना तो लगभग 70 प्रतिशत से अधिक भाग हाइड्रोजन इसमें मौजूद है और लगभग आप देखेंगे कि नहीं हीलियम नहीं सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है तो आंसर आप क्या लगाएंगे ऑप्शन ए चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता नक्षत्र क्या होता है कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं तो कुछ तारों का समूह कुछ तारों का समूह जो बनता है ग्रुप ऑफ सम स्टार्स ये विशेष पैटर्न पर होते ये विशेष पैटर्न पर दिखाई देते हैं इनमें विशेष आकृति दिखाई देती है इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्सा में मेजर आप देखेंगे सात तारों का एक समूह है भारतीय संदर्भ में इसको सप्तर्षि कहते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसी को सप्तर्षि कहा गया सात तारों का समूह तो आप जब यहां पर ध्रुप तारे की ओर देखते हैं तो यह सात तारों का समूह आपको इस रूप में आसमान में दिखाई देता है यही कहलाता है यानी सात तारों का मंडल अगला प्रश्न उपसौर की घटना उप की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी पूछ रहा है देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी दो तरह से गति कर रही तो हम मान लेते हैं ये सन है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही एक इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य यहां पर सॉरी पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ पर पर परिक्रमा कर रही ये रिवॉल्व हो रही है इस तरह से तो आप इस क्रम में क्या देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो चेंज होती रहती जब सर्वाधिक दूरी पर होते हैं तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है यानी इसे बोलते हैं एपिहीलियन इसे एपिहीलियन कहा जाता है और जब न्यूनतम दूरी होती है तो इसको उपसौर कहते हैं उपसौर यानी पैरीहीलियन पैरीहीलियन कहते हैं तो एक पेरीहिलियन है एक एपीहीलियन है सर्वाधिक दूरी जो होती है यहां पर आप देखेंगे उस समय लगभग ये चार जुलाई के आसपास की घटना होती है। चार जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होते हैं और लगभग तीन जनवरी को ये सर्वाधिक नजदीक होते हैं यह घटना तो यहां पर अगर आपसे पूछा गया है कि उपसौर के घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है तो उपसौर का मतलब है दूरी कम हो जाना यह एक मिलियन तक लगभग हो जाती है और जो एक मिलियन लिखा है यह अपसौर की घटना होती है ये है एपीहीलियन तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी आप सी लगाएंगे और इसको इस रूप में आप देख सकते एक सौ मिलियन तो पेरी और एक मिलियन तो एपीहीलियन ठीक है इस तरह से परिक्रमा के दौरान स्थिति बनती है। फिर विशुभ तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर कहां होता है तो बिशुभ या इक्विनाक्स की बात की गई ये वर्ष में दो बार होता है वर्ष में दो बार एक आप देखेंगे लगभग 21 मार्च के आसपास और एक दूसरा यहां पर ऐसे ही देखेंगे 23 सितंबर के आसपास इन दोनों तिथियों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पर होती विश्वत रेखा पर लंबवत चमकती हैं और ऐसे में क्या होता है समस्त भूमंडल पर समस्त भूमंडल पर दिन रात बराबर होते दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है की अवधि बराबर यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात और इसी घटना को कहते हैं विशुभ तो आंसर क्या हो जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर तो इस तरह से विशुभ की स्थिति होती है भूमध्य रेखा पर आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी जब दिन रात की अवधि पूरे पृथ्वी पर बराबर हो जाए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विश्वत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती तो कर्क रेखा का मतलब साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा गया विषुवत रेखा जीरो डिग्री का अक्षांश है और मकर रेखा साढ़े तेईस डिग्री का दक्षिणी अक्षांश तो अगर आप यहां पर मानचित्रों का अध्ययन कर चुके हैं तो आप देखेंगे एशिया महाद्वीप लगभग पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लगभग पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में ये नॉर्दन हेमिस्फेयर में है ऑस्ट्रेलिया पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में है पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में है और यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है तो आंसर तो अपने आप आ गया क्यों इतना जानने से हम आंसर क्या लगाएंगे अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप मानचित्र पर देखें तो आप पाएंगे यही एक ऐसा महाद्वीप है मात्र एक यही महाद्वीप जिसमें ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये साढ़े तेईस डिग्री का उत्तरी अक्षांश है फिर इसके साथ साथ ये है इक्वेटर लगभग मध्य भाग से इसके गुजर रहा है और ये है यहां पर आप देखेंगे साढ़े डिग्री का दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा तो ये तीन की तीनों रेखाएं यहीं से गुजरती हैं ये है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है जीरो डिग्री विश्वत रेखा इक्वेटर और यहां पर इसके साथ साथ ये है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यह तीनों यहां से गुजरते हैं तो बच्चों आज का ये सेशन समाप्त करता हूं आप सब बड़े धैर्य से मुझे सुनते रहे आपने बड़ी मेहनत की आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ रात्रि गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। परिणाम आपके पक्ष में होगा बहुत बहुत धन्यवाद